वेलकम टू माई न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस क्या आपको भी इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरह का एरर जो है शो हो रहा है? फ्रेंड्स एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब भी आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं और इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद में कोई रील्स आपको पसंद आती है और उसका आप रिमिक्स बनाना चाहते हैं, रिमिक्स जैसे ही आप बनाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का वहां पर एरर जो है वो शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसका भी मैं आज इस वीडियो में सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली प्रॉब्लम जो है उससे रिलेटेड आपको हमेशा यहां पर ऐसी ही अपडेट यहां पर आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको ले चलूंगा मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पर आपको सारा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से आप ये प्रॉब्लम जो है 100% अभी लाइव प्रूफ के साथ कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको इंस्टाग्राम पर ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना इंस्टाग्राम जो है ओपन करता हूँ। यहाँ पर ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ मैं अपनी पसंदीदा रील्स पर ले चलता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर शेयर की हुई एक, ओके यहाँ पर, हाँ ठीक है मैंने ये वाली रील्स यहाँ पर ली। उसके बाद में मैंने यहाँ पर इसके थ्री डॉट पर क्लिक किया और रिमिक्स बनाने का सोचा। ओके यहाँ पर मैं रिमिक्स पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैं अपनी रिमिक्स वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। ओके इतनी प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पर मुझे ये एक सेकेंड, अब मुझे यहाँ पर क्या है कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने का आता है। ओके अब यहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा रिमिक्स बनाने के लिए। ओके अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो ऐड मोर क्या आ रहा था, ऐड मोर, हाँ जो भी वो प्रॉब्लम आ रही थी अभी, मैं ये ज़्यादा गाना चलाऊँगा नहीं वरना कॉपीराइट आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको अब करना क्या है, आप जैसे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से वो ऐड मोर क्लिप्स टू रीच द 3 सेकेंड मिनिमम। ओके इस तरह से आपको एरर जो है आ रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके इस तरह से आप कीजिए तो यहाँ पर से आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से ले लीजिए। मान लीजिए हमने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर से ले लिया। ओके अब यहाँ पर आप बैक आ जाइए, यहाँ पर से हम बैक आते हैं। अब यहाँ पर आपको जो जो प्रोसेस में फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊँ वो आपको फॉलो करना है इजीली। ठीक है, आपका ये जो प्रॉब्लम है वो 100% ठीक होगा। ओके अब यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, आप इंस्टाग्राम पर लॉन्ग प्रेस कीजिए। लॉन्ग प्रेस करने के बाद में आपको ऐप इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर जाना है। ठीक है, ऐप इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर जाइए। आप यहाँ पर से स्टोरेज यूजेज वाला ऑप्शन दिखाया तो यहाँ पर से आप अपना इंस्टाग्राम का क्लियर कैचे कर दीजिए। ओके क्लियर कैचे करने के बाद में आप देखिए वहाँ पर आपको इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल रही है क्या। अगर फिर भी मिल रही है तो आपको दूसरी मेथड करना क्या है, आपको अपने इंस्टाग्राम पर जाना है। ठीक है, ठीक है सबसे पहले आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था ना, अब हम इंस्टाग्राम को यहाँ से रिपोर्ट करेंगे। प्रोफाइल पर आ जाइए, प्रोफाइल पर आने के बाद में अब आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर ऊपर कॉर्नर पर थ्री डॉट दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। सेटिंग पर जाते हैं, सेटिंग पर जाने के बाद में यहाँ पर हेल्प पर क्लिक करते हैं। हेल्प पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से कहता है कि आप अपने फ़ोन को मूव करवाइए, थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। ओके हाँ, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, अब यहाँ से मैं रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इंक्लूड एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैं उस स्क्रीनशॉट को भी ले लूँगा। ओके यहाँ से जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था ना, जो एरर हमें आ रहा था उसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं हेलो इंस्टाग्राम टीम, गाम टीम हेलो डियर, डियर लिखते हैं पहले। ओके डियर इंस्टाग्राम टीम टीम, उसके बाद में माय इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम रील्स वीडियो रिमिक्स, रिमिक्स नॉट अलाउड, अलाउड ठीक है अलाउड, और प्लीज़ फिक्स दिस प्रॉब्लम, प्लीज़ फिक्स दिस प्रॉब्लम, इस तरह से आप लिख दीजिए और यहाँ पर नीचे थैंक यू लिख दीजिए, थैंक्स लिख दीजिए। ठीक है, अब थैंक्स लिखने के बाद में आपने स्क्रीनशॉट भी दे दिया, अब इंस्टाग्राम को समझ में आ जाए क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम आ क्या रही है। आप यहाँ पर अगर ठीक लिखते भी नहीं है तो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपने ले लिया है। फ्रेंड्स इसके जरिए बहुत सारे दोस्तों का ठीक हुआ है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से रिपोर्ट कर दीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आपकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो जाएगी। अब आपकी रिपोर्ट जो है उसके बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है वो इंस्टाग्राम जो है 2-4 घंटे में सुन ही लेगा, उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम जो है वो 100% ठीक हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम जो है फ्रेंड्स ठीक नहीं होती है तो आपको करना क्या है, आपको इसके बाद में अपने इंस्टाग्राम का क्लोन, आप क्लोन में अपने इंस्टाग्राम की आईडी को ओपन कीजिए। वो आपको कहाँ से होगा, आप सेटिंग पर जाइए, सेटिंग पर जाने के बाद में आपको ऐप मैनेजर पर जाना है। ऐप मैनेजर पर जाने के बाद में आपको वहाँ पर एक ऐप क्लोन वाला दिखेगा। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर सेटिंग पर जाता हूँ, सेटिंग पर जाने के बाद में यहाँ पर ऐप, ये ऐप क्लोनर, क्लोनर ठीक है, आप जिस भी एप्लीकेशन का क्लोन बनना चाहते हैं तो आप यहाँ से
उसका क्लोन बना लीजिए। उसके बाद में आपकी वहाँ पर आप जब लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो 100% ठीक हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और फिर भी नहीं होती तो आपको इंस्टा का ओल्ड वर्जन, लास्ट जो आपको मेथड अपनाना है, तो आपको यही करना है कि आपको लास्ट अपने इंस्टाग्राम का ओल्ड वर्जन, गूगल से आप ओल्ड वर्जन इंस्टाग्राम ऐसे सर्च कीजिए, आपको वहाँ बहुत सारे इंस्टाग्राम पर 2-3 महीने पहले वाला इंस्टाग्राम जो है उसका ओल्ड वर्जन आपको मिल जाएगा, तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर दें और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की प्रॉब्लम से रिलेटेड, सॉल्यूशन से रिलेटेड हमेशा आपको वीडियो मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।